अस्सलाम वालेकुम, लाइव रुक्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मज़ेदार यम्मी डिलिशियस झींगा बिरयानी, प्रॉन्स बिरयानी। आपको पता है प्रॉन्स में बेशुमार हेल्थ बेनिफिट है। प्रॉन्स बेस्ट एंटी एजिंग फूड है। प्रॉन्स में ओमेगा 3 भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो आपके दिल को हेल्दी रखता है। प्रॉन्स में हाई प्रोटीन और लो फैट है। आँखों के लिए ये बे इंतहा मुफीद है और हड्डियों के लिए तो इसका क्या कहना। मज़ीद मालूमात और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट liverooks.com पर विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1.25 किलो प्रॉन्स को अच्छे से साफ़ करके इसे 15 मिनट नमक लगा के रख दिया था। अब इसे सादे पानी से धोकर हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच हरा मसाला, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 5 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें मिलाएंगे 1 कटोरी दही और इसे अच्छे से मिक्स करके हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा मसालों का। और ये बासमती राइस मैंने 0.5 किलो लिया है, प्रॉन्स 1.25 किलो लिया है। और इस तरीके से हम ये सब बनाएंगे। अब इसमें मैंने 2 प्याज लिया है, 2 प्याज में मैं 2 चम्मच घी डालूँगी, असली देसी घी, और 2 चम्मच तेल। अब हम प्याज को अच्छे से लाल कर लेंगे। बड़े मज़े की लगती है ये झींगा बिरयानी। 2 तेज़पत्ता मैंने इसमें डाला है और अच्छे से मैं इसे हिलाकर लाल होने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी स्पाइसेस, 1 इलायची, दालचीनी के 3 छोटे टुकड़े, स्टार एनिस का छोटा फूल, 5 लौंग, 5 काली मिरी, जावित्री, ये सब चीज़ों को हम प्याज में मिक्स कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। में हम मिलाएंगे 3 लाल मिर्च, ये मैंने गोल वाली लाल मिर्च ली है, आप कोई भी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे, ज़बरदस्त। ये प्याज थोड़ी थोड़ी लाल होना स्टार्ट हुई है। इसमें हम मिलाएंगे पोटैटो, 2 आलू मैंने लिए हैं, आप चाहे तो कम ज़्यादा आपके हिसाब से, आपको जितने अच्छे लगते हैं आप ले सकते हैं। इसे भी हम घी में मस्त भून लेंगे और यमी मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 टमाटर बारीक काट कर हमने मिला दिया इसमें और भून लीजिए इसे अच्छे से। देखो प्याज, पोटैटो सब एकदम मस्त लाल हो गया, और ये आलू बुखार और जर्दालू, मज़े का लगता है ये जब निवाले में आता है ना, तो वो लकी रहता है जिसके निवाले में आता है। और ये क्रश ड्राई फ्रूट आप जैसे चाहें वैसे डाल दो, अखे डालो, तोड़ कर डालो, क्रश करके डालो, पीस कर डालो, मज़े के ही लगते हैं इसका तो, कैसा भी डालो आप, ज़बरदस्त टेस्ट आता है, रिच बिरयानी बन जाती है मस्त। अच्छे से इसे भून लीजिए और भूनने के बाद हम इसमें मिलाएंगे हमारे मज़ेदार यम्मी जो प्रॉन्स हमने मसाला लगा के रखा था, डाल दीजिए उसे। प्रॉन्स हमारे डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से प्याज प्रॉन्स सब मज़े से मिक्स हो जाए। ये पहले से मसाला लगा के रखे ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है इससे। और इसे ढक दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखो अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं, वाह वाह वाह, हमारा मसाला भी भुनी गया है, देखो नीचे लगा भी नहीं है, हमारी डेगची तो भाग रही है, बोले वाह 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 क्या पका रहे हो आज। और इस तरीके से देखो कितना मज़े का लग रहा है ये मसाला। इसमें कोथमीर डाल दो, ग्रीन फ्रेश धनिया, मसाला भी भुने गया है। अब हम इसमें राइस डालेंगे। राइस आप मेरी रेसिपी में देख सकते हैं, पिछले कई बिरयानी की रेसिपी मैंने डाली है उसमें आप देख सकते हो, ये हमने पूरा नहीं पकाया है, 1 कनी बाकी है राइस की, वो इसमें हम इसकी तह बिछा देंगे राइस की, और नीचे से मसाला भी पक जाएगा, पकते रहेगा और हमारे राइस भी पक जाएगी, और उसका सारे मसालों का फ्लेवर, झींगे का फ्लेवर, आलू का फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर सब राइस में आ जाएगा। और ये मेरे फेवरेट सैफ्रॉन, इसे मैंने रोज़ वाटर में भिगा के रखा था, ये डाल देंगे ऊपर से, और फिर अगेन कोथमीर डालेंगे,
वाह 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 मज़े का। और ये देसी घी का तड़का, एक दो चम्मच देसी घी भी डाल लीजिए, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है बिरयानी का। और बस और क्या है, इसे ढक दीजिए। बन गई आपकी प्रॉन्स बिरयानी। 5 मिनट तक ढक के रखिए, और या तो नीचे आप तवा रख दीजिए। देखिए 5 मिनट के बाद ओहो हो क्या धुआंधार बिरयानी बनी है, वाह मज़ेदार। देखो आप क्या लग रहा है, मिर्ची तो देखो आप ज़बरदस्त हो गई है, रोस्ट हो गई है एकदम, वाह इतनी मज़े का बना है ये। सच में आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना प्रॉन्स के, तो आज मज़े ही मज़े, मज़े मज़े की बिरयानी में, वाह वाह वाह। चलो डिश आउट करते हैं। वाह देखो प्रॉन्स भी आ गया साथ में, वाह 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 क्या लगती है ये बिरयानी, बहुत अच्छी लगती है। आप इस तरीके से बनाएं, इंजॉय कीजिए, अपने घर वालों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, मज़ा करें और इसी तरह खुश रहिए, इंजॉय करते रहिए। देखिए 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 कितना मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बनी है। नॉर्मल जो गोश्त की बिरयानी में हम मसाला डालते हैं उससे थोड़ा कम मसाला लगता है इसमें। वाह 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 सच में इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। नॉर्मल कोई भी कचुंबर के साथ आप इसे खाइए, और अचार के साथ खाइए, या ऐसे ही खाइए और मज़े कीजिए। सच में इतनी ज़बरदस्त लगती है, हेल्दी फूड है, बच्चों को खिलाना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए। चलिए दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर कोई नई रेसिपी, नई बात, नई खुशी के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़। इसी तरह और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाने से आपको हमारे वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे।